बोटाद तालुका में घटित हुई लट्ठा कांड की घटना के बाद गुजरात पुलिस देसी और विदेशी शराब के व्यापार पर काफी सतर्क और सावधान बनी है। ऐसे में शहर के गोत्री विस्तार में आए हुए कब्रस्तान की जगह से देसी दारू यानी कि देसी शराब का जत्था बरामद होने से स्थानिक लोगों में कई तरह की अटकलें बनी है। मुस्लिम समाज के लोगों में धार्मिक भावना को ठेस पहुँचने के साथ आज पुलिस द्वारा स्थल पर पहुंचकर तलाशी जारी की गई। बोटाद तालुका में लट्ठा कांड की घटना के बीच शहर के गोत्र स्थित कब्रिस्तान से भारी मात्रा में देशी दारू का जत्था बरामद होने के बीच स्थानिक लोगों में कई तरह की अटकलें बनी है। तो वहीं पुलिस की कामगिरी पर भी कई गंभीर सवाल पैदा हुए हैं। जाहिर सी बात है कि बोटाद तालुका में लट्ठा कांड की घटना के बीच गुजरात पुलिस काफी सतर्क और सावधान बनी है। जगह जगह शराब के व्यापार और देशी दारू भट्टी पर छापेमारी करते हुए तमाम का नाश किया जा रहा है। जहां शहर के गोत्री कब्रिस्तान से आज देशी दारू का जत्था बरामद होते हुए कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस की कामगिरी पर कई सवाल खड़े हुए हैं। पुलिस की कामगिरी संदिग्ध अवस्था में साबित होने के बीच आज देसी दारू की पोटलियां यहां पर बरामद होते हुए गोत्री पुलिस स्टेशन के अधिकारियों की कहीं ना कहीं पोल खुली है, जहां आज ये घटना अंतर्गत स्थानिक पीआई सहित कर्मचारी घटनास्थल पर दौड़े चले आए थे। कहे जाते वैसे दारूबंदी की धजिया उड़ाते हुए एक बार फिर कब्रिस्तान जैसे पवित्र स्थल पर से देसी दारू का जत्था बरामद होने के साथ स्थानिक मुस्लिम समाज के लोगों की धार्मिक भावना को भी ठेस पहुंचा है। ऐसे में ये शराब का जत्था यहाँ पर कहाँ से आया, किसके द्वारा लाया गया, वैसे कई सवालों के बीच पुलिस द्वारा घनिष्ठ तहकीकात का दौर जारी किया गया है। कब्रिस्तान की जगह से बरामद किए गए देसी दारू के जत्थे अंतर्गत पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पर दौड़े चले आने के बीच घनिष्ठ तहकीकात जारी की गई है। तो वहीं लोगों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचने के साथ यहां पर आज ताजिया कमेटी के चेयरमैन वैसे जाहिद बाबू द्वारा भी इस संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया दी गई, जहां इस संदर्भ में सघन जांच की जाए और कसूरवार को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए वैसी मांग की गई है। मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान को कहीं ना कहीं बदनाम करने की भी अटकलें बनते हुए फिलहाल पुलिस द्वारा सघन तहकीकात जारी की गई है। जेते वक्त कलेक्टर श्री आ जगह ने सरकारी कब्रिस्तान तरीके नीम करेली थी, साथे साथ एक बहुत स्पष्ट एमा शर्त पण राखेली छे के कोई आ जगह पर कोई पण जातनुं बांधकाम थई शकशे नहीं। थोड़ा दिवस पहला आज जगह पर थी जुगार रमातो हतो, जेना कारणे पोलीसे रेड करी अने त्यांथी भागवा जता एक युवाननुं अहींया मृत्यु पण थयेलुं हतुं, जेथी मने स्थानिक लोकोनी रजूआत मळता के भाई आ गैरकायदेसर ओरडी छे तो एनी आडमां कोई खोटा धंधा ना थाय एटला माटे आ ओरडीने अहींथी रिमूव कराओ। कब्रिस्तान ना अंदर दारू न वेचाय अने मुस्लिम थ्रू वेचातु होय ते बहुत खोटू कहेवाय। आ वस्तु आ दारू कब्रिस्तान माथी मळ्युं छे, कदाच ए कब्रिस्तान ने बदनाम करवानी कोशिश भी थई होय अने अन्य अन्य समाजना लोकोए दारू मूकीने कब्रिस्तान ने कदाच बदनाम भी कर्यु होय। पर मारी कमिश्नर श्री ने नम्र विनंती छे કે આ દારૂ જ્યાં કબ્રસ્તાનમાંથી પકડાયો છે એ દારૂમાં આગળ જો કોઈ મુસ્લિમ વેચનારો હોય તો એને સજા થવી જોઈએ અને એને પાસા બી થાય તો વાંધો નથી, પરંતુ જો આ મૂકવામાં આવ્યું છે દારૂ અને અન્ય કોમ થ્રુ મૂકવામાં આવ્યું છે તો એની બી તપાસ થાય અને જેણે આ કાવતરું કર્યું છે એને સજા થાય એવી મારી કમિશનરશ્રી પાસે માંગ છે। શું નામ તમારું? ઝાહિદ હુસેન અબ્રહસન સૈયદ, તાજિયા કમિટી ચેરમેન। અત્યારે જે ગોત્રી તલાવ ગોત્રી પોલીસ વિસ્તારમાં આવેલું છે, અહીંયા દેશી દારૂની પોટલીઓ મળી આવેને વિગત અમારા સામે આવી છે। લોકલ કોર્પોરેટ અન્ય લોકોનું એવું કહેવાનું છે કે આ દારૂનું વેચાણ થાય છે અને ગેરકાયદેસર દબાણ જે પોટલીઓ મળી આવેલ હતી આવવાનું જગ્યા છે અને અમે ગુનો દાખલ પણ કરેલો છે અત્યારે અજાણ્યા માણસ વિરુદ્ધ। અને જે દબાણ છે કોર્પોરેશન નો મુદ્દો છે જે 10 વર્ષ જૂનું દબાણ છે અને જે કોર્પોરેશન આમાં નિર્ણય લેશે તો અમે આમાં અમને સહાય આપશું। બધી ભટ્ટીઓ અમે આ રૂપિયા રહેલી હતી અમે બધી તોડી નાખી છે અને વાસણા ગામે કદાચ જે ગ્રામ્યની હદ લગતી હોય તો આ તરફથી કઈ અગર દારૂ આવતો હોય તો અમે આ લોકોની તપાસ ચાલુ છે અને આસપાસ કોનેથી સીસીટીવી ફૂટેજ બધા અમે જોઈ છે અને જે તપાસ થશે આવા મુજબ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। 5-6 અને ભરેલી જે દારૂના પાઉચ છે એ મળેલા આવે છે। જે તરફ સે વાત કી જાય તો અભી કલ એક વિડિયો વાયરલ હુઆ હે કે દારૂ બેચને કા ઓર પીને વાલે કા તો વો ભી ગોત્રી વિસ્તાર કે હદ મે આતા હે આગે કે કાર્યવાહી હોગી?
ગણતરી વિસ્તારમાં જે એવા કોઈ કેસ હશે કે દારૂ વેચતામાં કે દારૂ પીવામાં આવે તો અમે અત્યારે અવારનવાર દિવસ રાત્રે કેસ કરી રહ્યા છે પ્રોહિબિશનના અને જે કોઈ ગુનેગાર હશે એમના વિરુદ્ધ કડકથી કડક કાર્યવાહી કરવાની છે. એવું કોઈ છે એવી છે જાણકારી? અત્યારે અમે સીસીટીવી ફૂટેજ ચેક કરી છે અને જે ડેટા ડેમ છે બધું કાર્યવાહી અમે આગળ કરીશું. અનલિસ્ટેડ બુટલેગર જેમના ઉપર પાછળ પાસ્ટમાં રેડ થઈ હતી એમના ઉપર વારંવાર રેડ કરી રહ્યા છે.